हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज मिलती रहती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और एक मेरा सेकंड चैनल है, कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि कार चलाना बहुत आसान है, सभी लोग चला लेते हैं नॉर्मली, 5 से 10 डेज 15 डेज में लोग सीख जाते हैं। लेकिन जब बात आती हिली एरिए पे, जब पहाड़ी वाले एरिए पे कार को हमें रोक कर चलाना होता है, या किसी बेसमेंट पार्किंग से गाड़ी को रोक कर निकालना होता है, या किसी मॉल की पार्किंग से गाड़ी को निकालना होता है, और ऐसे में अगर गाड़ियों की लाइन लगी होती है आगे पीछे, तो गाड़ी को रोकने के बाद गाड़ी हमारी पीछे क्यों आती है? वहां पे हमें क्लच और ब्रेक को कैसे कंट्रोल करना है, कितना क्लच छोड़ने के बाद ब्रेक छोड़ना है, या पहले ब्रेक छोड़ना है या बाद में क्लच छोड़ना है, क्या इसका मैचिंग है, दोनों को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, तो वो मैं आज बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं मैं हूं अभी हिली एरिया में, ये कितना ज्यादा यहां पे डाउन हिल है, ये पिकनिक स्पॉट वाला एरिया है और यहां पे काफी डाउन है, गाड़ी मेरी खड़ी है, ये आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा क्लच और ब्रेक को कंट्रोल करने का जो पॉइंट होता है, क्लच और ब्रेक कंट्रोल करने के जो 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा, 5 उपाय बताऊंगा। अगर आपने ये 5 उपाय कर लिए तो आपको कभी भी स्लोपिंग पे दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसे ये मेरी गाड़ी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है क्लच और ब्रेक, यहाँ पे तीन पैंडल हैं, एक है एक्सीलेटर, ये वाला है एक्सीलेटर, ये वाला है ब्रेक और ये वाला है क्लच, ठीक है दोस्तों, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो हमें यहाँ पे करना है क्या है कि हमें कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, कैसे हमें समझना है कि क्लच और ब्रेक को क्यों, कब और कितना यूज करना है, इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लच को कितना यूज करना चाहिए, ब्रेक को कितना यूज करना चाहिए, क्या चढ़ाई पे हमें एक्सीलेटर की जरूरत होती है, या बिना एक्सीलेटर के भी हम गाड़ी को चढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है और मैं इनको स्लोपिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 12 डेज। ओके, तो लगभग कितने परसेंटेज आप गाड़ी सीख गए हैं? 90%। तो अभी आप अकेले गाड़ी अपनी चला सकते हैं जी। चला, तो चलो इंजन ऑन करो, क्लच दबा के और ब्रेक दबा के, गाड़ी ढलान पे है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि गाड़ी ढलान पे है और अगर आप खाली क्लच दबाते तो गाड़ी नीचे चली जाती। अभी आपने डाल रखा है हैंड ब्रेक, डाल रखा है, अब हैंड ब्रेक को अनलॉक करो। अनलॉक हो गई गाड़ी, अभी आपको कुछ नहीं करना है। कौन से गियर में है आप? ये फर्स्ट गियर है, इसको न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करो। अभी गाड़ी किसी भी गियर में नहीं है, अभी गाड़ी को ब्रेक को छोड़ो, गाड़ी धीरे से पीछे जाने दो, थोड़ा सा गाड़ी पीछे जाने दो, हाँ बस, और थोड़ा सा, और बस स्टॉप कर लो। गाड़ी की स्टीयरिंग एकदम सीधी रहनी चाहिए। अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करो, पहिया कहाँ पे है अभी? नहीं, सीधी रखो, सीधी सही एकदम, पीछे और आ जाओ थोड़ा सा, और आ जाओ, सीधी रखो सीधी, और बस स्टॉप करो, बस। अब मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को कैसे ऊपर चढ़ाना, क्योंकि गाड़ी की जो कंडीशन है, गाड़ी की जो कंडीशन है वो बहुत ही चढ़ाई वाले एरिया पे है, तो यहाँ पे हमें कैसे इसको कंट्रोल करना ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे गाड़ी को आगे ले जाना है, पीछे नहीं ले जाना है। तो अभी गाड़ी को डालो फर्स्ट गियर में सबसे पहले, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा क्लच दबाया आपने और ब्रेक ले रखा है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी, सिर्फ क्लच को रिलीज करो और गाड़ी को गियर में एक्टिव होने दो, बस हो गई एक्टिव। अब धीरे से ब्रेक छोड़ो, हाँ धीरे धीरे, बस गाड़ी आगे खिसक रही है, वापस पूरा क्लच दबा के ब्रेक लो। आपने स्टीयरिंग क्यों टेढ़ी करी, जब आपकी एक गाड़ी एक पॉइंट पे खड़ी तो स्टीयरिंग को दाएं बाएं घुमाने की जरूरत है? इसको ना लेफ्ट करना ना राइट करना, गाड़ी एक्यूरेट एकदम अपने सेंटर में खड़ी है, समझ गए? अभी गाड़ी को फिर आगे बढ़ाना है आपको, हाफ क्लच पे वापस स्टॉप। अगर स्टीयरिंग अब घुमाई लेफ्ट या राइट तो मैं नीचे उतार दूंगा तुम्हें, समझ गए? अभी गाड़ी वापस पीछे जाने दो, ब्रेक को फ्री करो और जाने दो, हाँ और जाने दो, अब स्टॉप कर लो,
स्टॉप हो गई। अब यहाँ से फिर बढ़ानी गाड़ी, वही धीरे धीरे, गाड़ी एक इंच भी पीछे नहीं आनी चाहिए, हाफ क्लच पे गाड़ी को, स्टॉप, गुड। एक्सीलेटर का यूज तो नहीं कर रहे हो, गुड। हाफ क्लच पे गाड़ी को चलाना और रोकना, एक मीटर गाड़ी बढ़े वापस रोक लेना। चलो स्टॉप, गुड। तो दोस्तों देखो यहां पे करना क्या है, अब यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ क्लच और ब्रेक, चाहे जितनी गाड़ी चढ़ाई पे हो, अभी इन्होंने पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लिया है। अब गाड़ी इनको धीरे से बढ़ानी है, तो सबसे पहले गलती क्या हम लोग करते हैं, हम छोड़ देते हैं ब्रेक, छोड़ो जरा ब्रेक। अब गाड़ी जा रही पीछे, ये देखो वापस ब्रेक लगाओ, तो ऐसे में क्या होता है, अगर हम ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी ढलान पे है, ये देख रहे हैं ढलान पे, तो गाड़ी जाएगी पीछे। तो हमें तीन चीजों का ध्यान देना है, सबसे पहली चीज गाड़ी होनी चाहिए फर्स्ट गियर में, सेकंड चीज ब्रेक को नहीं छोड़ना है, पहले हाफ क्लच छोड़ना है। अभी हाफ क्लच छोड़ो, गाड़ी को होल्ड करना क्लच पे, चलाना नहीं है बस। अब ब्रेक छोड़ो, वापस हल्का सा क्लच दबाओ, हल्का सा क्लच, गाड़ी ब्रेक लगाओ, गाड़ी को चलाना नहीं है, जो क्लच है उतना क्लच रिलीज करो जितने में गाड़ी टंग जाए, ना आगे जाए ना पीछे जाए, छोड़ो धीरे धीरे क्लच बस। अब ब्रेक से पैर हटाओ, हाँ हल्का सा क्लच और छोड़ो, 1% बस, ज्यादा छोड़ दिया बस, हल्का सा, हाँ गाड़ी को रोकना है यहीं पे बस। अब ब्रेक छोड़ो, नीचे हटाओ, पैर हटा लिया, इतने पे क्लच को रखना, ना दबाना ना छोड़ना। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी जो है क्लच से कंट्रोल है, क्लच को वापस हमने छोड़ दिया था जिसकी वजह से गाड़ी बढ़ने लगी थी, उतने पे होल्ड रखना था, ये जैसे 20 पे था ना, तो 21 करना था ना 19 करना था, ठीक है, इतने पे होल्ड रखो। अब जैसे गाड़ी देखो दोस्तों होल्ड है, ये यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्लच से गाड़ी को कंट्रोल कर रखा है। अब गाड़ी ढलान पे है, आप देख रहे हैं गाड़ी एक इंच भी नहीं जा रही है। अभी ब्रेक को मत यूज करना, हल्का सा क्लच छोड़ो, अब बस वापस क्लच दबाओ, थोड़ा सा, पूरा नहीं, ब्रेक नहीं लेना है, क्लच से ही गाड़ी को रोको, स्टॉप करो, ज्यादा क्लच दबा लोगे तो इंजन फ्री नहीं हो जाएगा भाई। मैंने अभी कितना क्लच रिलीज करने के बाद गाड़ी ब्रेक का काम क्लच कर रहा था, वापस स्टॉप करो, पीछे जाने दो, फिर धीरे धीरे पीछे जाने दो, धीरे धीरे गाड़ी आ रही, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ वापस स्टॉप करो। अब देखो पहला तो ये पॉइंट था, जो पहला क्लच का कंट्रोल था ये था कि हाफ क्लच छोड़ने के बाद गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाती है। सेकंड चीज क्या होती है कि जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि गाड़ी में ज्यादा लोग बैठे हैं तो वहां पे एक्सेलेटर भी लेना होता है। अब करना क्या, जैसे इंजन धीरे धीरे क्लच छोड़ो और ब्रेक दबा के रखो, अब जैसे ब्रेक से पैर एक्सेलेटर पे ले जाओ फटाफट, बस वापस स्टॉप कर लो। आप अभी सही तरीके से क्लच को नहीं समझ पा रहे हो, जो क्लच को कंट्रोलिंग है वो क्लच कितना डिसाइड, अरे पैर ऊपर फिसल गया था नीचे कर, इतना ज्यादा पैर क्यों क्लच पे चढ़ा ले गए हो मेरे भाई, इसको टो से करना है, पीछे करो इसको पैर को, और पीछे करो, और करो, और करो, ये पॉइंट होना चाहिए, ये है टो, 3 इंच तुम पैर ऊपर खिसका ले गए थे, अंगूठे से इसको यूज करना है ना। अभी धीरे धीरे वापस क्लच दबा लो, ब्रेक को छोड़ो, गाड़ी को थोड़ा पीछे जाने दो, भाई क्लच दबा लो ब्रेक छोड़ो तो गाड़ी का इंजन फ्री हो जाएगा, जाने दो पीछे, हाँ वापस स्टॉप कर लो, बस आ जाओ धीरे धीरे, गुड स्टॉप करो, फिर आ जाओ धीरे धीरे, धीरे धीरे, गुड स्टॉप करो। इससे ये है ना गाड़ी को कितना क्लच रिलीज करना है, कितना ब्रेक छोड़ना है, सारा गेम जो वो क्लच का होता है, क्लच से पूरी गाड़ी कंट्रोल हो जाती है। अगर आप हाफ क्लच पे गाड़ी को कंट्रोल करना चाहो तो गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। चलो जाने दो धीरे धीरे, स्टॉप करो, गुड। तो दोस्तों आप गाड़ी पीछे आने दो, दोस्तों आप देख सकते हैं ना कि गाड़ी कितनी स्लोपिंग वाला एरिया है, धीरे धीरे, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो भाई, इतनी तेज क्यों भाग रहे थे, अब वही धीरे धीरे तुमको वही उसी की प्रैक्टिस करना है, गाड़ी को धीरे धीरे रोक रोक कर चलाना है।
स्टॉप करूं? हाँ जाने दो धीरे धीरे। गुड, फिर एक बार पीछे लेके जाओ गाड़ी को, पीछे लेके जाना है। पीछे जाने के लिए गियर नहीं चेंज करना है, बस क्लच पूरा दबा लो, ब्रेक को ढीला करो, हल्का सा जाने दो धीरे धीरे। बस स्टॉप कर लो, आ जाओ धीरे धीरे। स्टॉप, गुड। तो दोस्तों आपने देखा, बिना एक्सीलेटर के, बिना हैंड ब्रेक के, बिना एक्सीलेटर के, बिना हैंड ब्रेक के इन्होंने कार को पूरा कंट्रोल कर लिया। और फर्स्ट गियर में ही स्लोपिंग वाले एरिया में कार को कंट्रोल करना चाहिए, सेकंड गियर में रोक रोक कर अगर आप चलाओगे तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।